वहीं आज लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित ब्लड डोनेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में इस ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, स्वामी प्रसाद मौर्य से ये मुलाकात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, और इस दौरान वो शुभकामनाएं देते नजर आए, स्वामी प्रसाद मौर्य को ये भेंट देते नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए। जन्मदिन की स्वामी प्रसाद मौर्य को बधाई दी गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम इस मौके पर आयोजित किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन के मौके पर यह कार्यक्रम वहां पर रखा गया। ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होने पहुंचे, और इस तरह से वहां पर ब्लड डोनेट करते हुए कहीं ना कहीं जनता के बीच ब्लड डोनेशन को लेकर एक सकारात्मक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि वो भी ब्लड डोनेशन से डरे नहीं, ब्लड डोनेशन से आपके शरीर को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसके लिए मौका चुना गया स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन का। जी हाँ, आज स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ये भेंट की केंद्रीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को, और उसी से जुड़ी कार्यक्रम से ये तस्वीरें आपके सामने, ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होने पहुंचे। दरअसल आज कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के मौके पर आज वहां पर लखनऊ में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद दरअसल जनता के बीच ब्लड डोनेशन को लेकर जागरूकता पैदा करना, ब्लड डोनेशन से जुड़ी जो भी भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करना, जो भी लोगों के मन में शक होता है, आशंकाएं होती हैं, उन्हें दूर करना कि आपके स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का कोई भी विपरीत असर ब्लड डोनेशन की वजह से नहीं पड़ता है। तो ऐसे में आप सामने आए, ब्लड डोनेट करें, ताकि जिन जिन लोगों को अलग अलग अस्पतालों में पूरे प्रदेश भर में जरूरत होती है ब्लड की, उनकी आपूर्ति के लिए ये एक सहयोग लोगों की तरफ से किया जा सके। लेकिन लोग डरते हैं कि खून अगर दे देंगे तो कहीं उनके शरीर में कमजोरी ना आ जाए, जो कि पूरी तरह से एक भ्रामक स्थिति है। और इसी अफवाह से और इसी भ्रांति को दूर करने के मकसद के साथ यहाँ पर आज केंद्रीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन के मौके पर यह ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा गया।